दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कल हम लोगों ने बात की थी सब ग्रेड के बारे में, अभी हम लोग इससे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सब ग्रेड के ऊपर अभी हम लोग सब बेस के लिए वर्क करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसके आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसको डंप कैसे करना है, फिर उसकी अगला प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि हमारी ये रीच की जो लंबाई है वो है 300 फुट, और इसकी जो विड्थ है 24 फुट है, और इसकी डेप्थ है 6 इंच 0.5। तो इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारी बन जाएगी 3600 क्यूबिक फुट। इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लूज़ फैक्टर, जो कि हमारा है 1.35। इसमें हमारी 5% वेस्ट शामिल है। टोटल हमारी क्वांटिटी हो गई 4860 क्यूबिक फुट। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी एक डंपर में कितनी क्वांटिटी आ रही है। हमारी एक डंपर में क्वांटिटी आ रही है 500 क्यूबिक फुट। तो टोटल क्वांटिटी के साथ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 4860 तकसीम 500 करेंगे तो हमारे आएंगे 9.72 डंपर निकलते हैं, यानी तकरीबन हमारे 10 डंपर। तो समझें, इस रीच में हम लोगों ने 10 डंपर डंप किए हैं। इसके बाद हम लोग इसका बेड बनाते हैं, बेड बना के फिर हम लोगों ने इस पर पानी लगाया है, और उसके बाद हम लोग इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए, इसकी मिक्सिंग हो रही है। तो दोस्तों, इसमें जो कंपैक्शन मार्जिन हम लोग देते हैं, वो जो 1.35 का मैंने फैक्टर लगाया है, वो उसमें मैंने ऐड कर दिया। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि इसकी मिक्सिंग कैसी कंप्लीट होती है, फिर हम लोग इसके ऊपर अपना लेआउट करेंगे, और फिर अपने लेवल के निशान लगाएंगे और उसकी ग्रेडिंग करेंगे। तो दोस्तों, देखती रहिए मेरी वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला प्रोसेस है वो हम लोग करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।